महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसको बंद करने की बात चल रही है, कई तो बंद भी कर दिए मदन दिलावर जी ने। क्यों, क्या कारण है? बस वो देना नहीं चाहते आम गरीब जनता को शिक्षा, एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद कर रहे हैं। कोटा जब पढ़ाई की शिक्षा नगरी से जाना जाता है और कोटा के अंदर आदमी पढ़ाई करने के बाद भी ऑटो चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, गुटखा बेच रहा है, तो ये कोई विकास है क्या? कोई विकास नहीं है। गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत किया, कांग्रेस की सरकार ने, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। ये सब सब मतलब जो कांग्रेस ने काम किए ना वो अपना श्रेय ले रहे हैं। सांसद का तो कोई मतलब ही नहीं है, आता और चला जाता है सांसद तो मिला जी, तो उनको कोई लेना देना नहीं है किसी से, उनको तो चुनाव जीतना है और अपनी मतलब जो है लोकसभा की सीट रखनी है। राजस्थान का एक ऐसा शहर जहाँ पर लाखों बच्चे हर साल आते हैं एक उत्साह लेकर कि वो इंजीनियर या डॉक्टर बनेंगे, कोटा यानी राजस्थान का शिक्षा का औद्योगिक क्षेत्र। आज हम आ पहुंचे हैं कोटा, यहाँ पर 26 तारीख को दूसरे चरण में चुनाव है, तो अब हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले दो यानी एक दशक से यहाँ के जो सांसद हैं वो ओम बिरला हैं और वो राज्यसभा सांसद भी हैं। तो इस तरीके से ओम बिरला जब दो सेमेस्टर से यहाँ के सांसद रह चुके हैं तो क्या आखिर उन्होंने अपने जो क्षेत्र है उन्होंने विकास किया है या नहीं किया है? कोटा बहुत तमाम प्रकार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य से जाना जाता है, चाहे ओम बिरला की बात करें या चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें। 2009 में भी कांग्रेस का यहाँ पर एक अपना अस्तित्व हुआ करता था, लेकिन जब मोदी लहर आई तो मोदी लहर में कांग्रेस की यहाँ पर कोई भी सीट नहीं निकाल सकी और 2014 से लेकर 2019 तक यहाँ पर ओम बिरला का मतलब यहाँ पर ओम बिरला सांसद बनकर आए। तो आज हम आ पहुँचे हैं कोटा और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2024 में देश की जनता का क्या मिजाज है और कोटा की जनता क्या चाहती है। तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले दो सेमेस्टर में यहाँ के जो सांसद हैं ओम बिरला जी वो जनता के बीच आए, उनके मुद्दे सुने या नहीं सुने। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या कर रहे हैं आप? वन मिनट अब सभी प्लेटफॉर्म पे आ गया है, सब्सक्राइब करें और खबरों का आनंद लें। क्या नाम है? मेरा राशिद अली है। क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। क्या लगता है कि दो बार से ओम बिरला जी यहाँ के सांसद रह चुके हैं कुछ क्षेत्रोत्र में विकास उकास किया है? नहीं, विकास के नाम पे तो यहाँ कांग्रेस का ही विकास है। जैसे कोटा का विकास हुआ है, जो भी विकास हुआ है कांग्रेस के उसमें ही हुआ है। ओम बिरला जी से एक वो थी अपेक्षा के एयरपोर्ट यहाँ चालू करे, लेकिन वो नहीं करा पाए। अब फिर वो यही बात के कर रहे हैं कि मेरे को जिताइए, मैं एयरपोर्ट चालू करवाऊंगा। अच्छा, बाकी ऐसा लगता नहीं है कि होगा यार। अच्छा, यहाँ से भी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं ओम बिरला जी, वो क्या लगता है कि मतलब सांसद रहते हुए, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और स्पीकर भी हैं, तो क्या मतलब पिछले 5 साल में जनता के बीच दिखाई दिए? नहीं, ऐसे बीच बीच में आते रहते हैं, वो कोटा में आते रहते हैं। तो क्या लगता है इस बार कांटे का मुकाबला है कांग्रेस का? मुकाबला शहरी क्षेत्र से ओम बिरला जी हैं, बाकी ग्रामीण एरिया से गुंजल जी का अच्छा हुआ है। अच्छा, गुंजल जी। अच्छा, गुंजल जी पहले बीजेपी में हुआ करते थे, मैं आपको बता दूं, उसके बाद कुछ उनकी मनमुटाव हुआ या जो भी चीज़ें हुई वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए और इस बार वो यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। क्या लगता है आपको? वैसे तो टक्कर बराबर की है, लेकिन वैसे देखा जाए तो बिरला जी का अभी तक 5 साल के अंदर ऐसा कोई कार्यकार दिखा नहीं कोटा के अंदर कि जो उन्होंने इतने बड़े मतलब स्पीकर मैन होने के बावजूद संसद के अंदर बैठने के बाद भी कोटा के लिए उन्होंने ऐसा कोई जो उपकार होना चाहिए कोटा के अंदर, आप बताइए कि मतलब जैसे आदमी है आज बेरोजगार है, ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई आदमी फर्स्ट ईयर करने के बाद भी यहाँ पर ऑटो चला रहा है। अब आदमी पढ़ाई करने के बाद भी उसको जब कोई नौकरी नहीं है तो पढ़ाई का मतलब क्या है? फिर कोटा जब पढ़ाई की शिक्षा नगरी से जाना जाता है और कोटा के अंदर आदमी पढ़ाई करने के बाद भी ऑटो चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, गुटखा बेच रहा है, तो ये कोई विकास है क्या? कोई विकास नहीं है। कांग्रेस ने विकास किया, वो इस तरीके से क्या है कोटा को चमकाया है, कोटा के अंदर अच्छी अच्छी घूमने फिरने की चीज़ें बनाई है, पढ़ाई के लिए भी अच्छा थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने उनकी तरफ से किया, मतलब काफ़ी मतलब उनकी तरफ से अच्छा किया कांग्रेस ने, जो पिछले 5 साल के अंदर किया वो अच्छा किया। क्योंकि आज कोई कोटा में आता है बच्चा यहाँ पर, कोई पंजाब से, कोई कश्मीर से, देश के सभी राज्यों से यहाँ पर बच्चे आते हैं,
तो आने के बाद में पेरेंट्स लोग जब आते हैं कोटा में एंट्री करते हैं तो कोटा की एंट्री देखते ही दिल खुश हो जाता है बच्चों का। उनके संग में पेरेंट्स भी तारीफ करते हैं कि हाँ कोटा कुछ है। तो राजस्थान के अंदर कोटा का जो विकास किया है कांग्रेस ने, आने वाले 10 साल के अंदर भी ऐसा विकास कोई नहीं कर सकता, हमको ये लगता है। आगे के लिए देखते हैं, अब बीजेपी आई है। इस बार क्या लगता है? इस बार देखो होने को तो क्या होता है, लेकिन वो तो फिर पन्ना माने के बाद ही पता पड़ता है। 4 जून को सब डिक्लेयर हो जाएगा। टक्कर अभी बराबर की है, आगे देखते हैं होता क्या है। अच्छा, आगे देखते हैं होता क्या है। और प्रहलाद गुंजल जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मतलब क्या लगता है आपको? अब बीजेपी छोड़ के अगर वो कांग्रेस में आए हैं तो हो सकता है कि कुछ करे। और वैसे जनता जिसको चाहे जिसको जीता सकती है। जनता क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ भैया। ऑटो चलाते हैं। लोग कह रहे हैं कि तमाम लोग कह रहे हैं कि कोटा में कोई विकास नहीं हुआ, आपको ऐसा लगता है? विकास पुरुष शांति कुमार धारीवाल, उन्होंने विकास किया है। बीजेपी ने तो जो एक लैंप भी नहीं लगाया, पूरे कोटा का विकास किया। चंबल रिवर फ्रंट है, इधर से मतलब जो है सड़कें हैं, पानी व्यवस्था है, हर चीज का विकास किया है। गरीबों को जमीनें भी दी है, संस्थाओं को जमीनें भी दी है, जितनी भी संस्था चाहे मुस्लिम संस्था चाहे वो हिंदू संस्था। और ऑटो वालों के लिए तो कुछ भी नहीं करा, बीजेपी ने भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, कोई किसी ने भी कुछ भी नहीं करा। ऑटो वाला पढ़ा लिखा मजदूर तबका बेचारा, नौकरी नहीं है ना, कोई नौकरी है ना कोई कुछ भी नहीं है ना। हमारे पास यहाँ पे ओम बिरला जी कोटा में कम से कम 4-5 बार आके गए। कभी नंदा देवी से आते हैं, कभी शताब्दी से आते हैं, कभी रात में इंटर से आते हैं। हमने 3 बार बोला ऑटो वालों के लिए कि साहब हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, केंद्र का मामला है। हमने 3-4 बार दरखास्त लगाई लेकिन राज्य सरकार से नहीं हुआ पाया ये काम। केंद्र सरकार से हमने 3 बार अप्लाई करी हमारे ऑटो में। ऑटो वालों के लिए सब बहन बेटे आती जाती है, यहाँ पे सब सुगलवाड़ा होता है, हमको टॉयलेट बना के दे दो और एक पानी के लिए कैंपर के लिए हम जो व्यवस्था करते हैं आप वीडियो चल के अभी स्टेशन के पास सुलभ शौचालय के लिए नहीं है बिल्कुल भी। ऑटो वालों के लिए ना तो एक मिनट, ना तो ऑटो वालों के लिए यहाँ पे पानी का सुविधा है और ना ही टॉयलेट की सुविधा है। यहाँ से इतनी बहन बेटे आती जाती है, ऑटो वाला वही गाड़ी लगा देता है, वही ऑटो वाला टॉयलेट करता है। बताओ कहाँ जाए, अंदर जाए तो यहाँ से पुलिस वाले अंदर ऑटो वालों को बिल्कुल अलाउ बंद है। अब बताओ ऑटो वालों के लिए क्या सुनवाई? ऑटो कोटा में कम से कम 10 से 15 हजार ऑटो चलते हैं। 10 से 15 हजार ऑटो वालों का मतलब समझ रहे हो आप कितने बोर्ड हैं? समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो अब आप ये बताओ हम कांग्रेस को वोट दें कि बीजेपी को वोट दें? वो तो आपका मताधिकार है, आप जिसको लगता है वो। तो कह रहा हूँ हमको जो सरकार अच्छी लगेगी हम उसी को चुनेंगे और उसी को हम विजय बनाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? जगदीश। क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं आप भी? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपके वर्ग के लिए कुछ भी नहीं हुआ भैया। सही बात है, पानी भी वहाँ से लाना पड़ता है, बाढ़ से लेके आते हैं। वालों ने हमारा मतलब जो है कैंपर लगा रहे, टॉयलेट करने की व्यवस्था नहीं, इकट्ठा करके पानी के कैंपर लगाते हैं पानी के, ताकि यात्री भी उसको पानी पिए और आम नागरिक मतलब जो ऑटो वाला वो भी पानी पिए। उसके लिए हमने ये भैया कैंपर रोज आते हैं, सारा कार्यक्रम इनके पास 300 कैंपर रोज आते हैं, कैंपर रोज आते हैं रोज। आपने इसकी शिकायत यहाँ की किसी ने कर दी? डीआरएम से कहती, सबसे कहती हमने कोई ना, हमारे सही होगी और पैसे 10-10 रुपए सब ड्राइवर भाई देते हैं हमारे को, उससे चलता सारा। 10-10 रुपया देश में कोटा का बड़ा नाम है। बहुत सारे से छात्र हैं जो देश के विभिन्न राज्यों से विभिन्न जिलों से इसलिए आते हैं ताकि वो नीट या ऐसी परीक्षाओं में पास करके और अपने परिवार का अपने जिले का नाम रोशन कर सके। लेकिन ये कोटा स्टेशन है, मैं दिखाना चाहूँगा कि कोटा स्टेशन है और यहाँ पर यहाँ के जो ऑटो चालक हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सुलभ शौचालय और पेयजल की व्यवस्था नहीं है। तो जो भी यात्री आते हैं या जो यहाँ पर ऑटो स्टैंड के ड्राइवर होते हैं उनको भी बहुत परेशानी होती है। और क्या मुद्दे हैं? यही मुद्दे हैं। देखिए आप चल के कैंपरों को देखिए, आप ऑटो वालों की तरफ से कैंपर लगाए जाते हैं, वो देखिए आप पूरा गंदा हुआ हुआ, पूरा गंदा हुआ हुआ हमारा ऑटो स्टैंड। यहाँ पे लोकल सवारी से लेकर वीआईपी सवारी भी आती है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, रैंप मतलब जो टूट फूट है वो रैंप की मरम्मत तक नहीं है भैया यहाँ पे। यानी सरकार बीजेपी की सरकार है, कोई जो है व्यवस्था पे ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ उनको सिर्फ सांसद का तो कोई मतलब ही नहीं है, आता और चला जाता है सांसद तो मिला जी, तो उनको कोई लेना देना नहीं है किसी से। उनको तो चुनाव जीतना है और अपनी मतलब जो है लोकसभा की सीट रखनी है।
तो प्रहलाद गुंजल भी कांग्रेस की यानी इंडिया की तरफ से परिवर्तन हुआ भैया उनके अंदर, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन होने के बाद में उन्होंने मतलब जो कांग्रेस ज्वाइन की है और जो है वो चुनाव में मतलब जो है उतरे हैं। अब जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन का फैसला सर्वोपरि है, जिसको भी चाहे वो। वैसे प्रहलाद जी जो है वो भी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा माहौल है उनका प्रहलाद जी का, और सीट निकाल सकते हैं। ये देखो आप सीट निकाल सकते हैं, और ये तो परिणाम तो फिर भविष्य बताएगा भैया, जो भी परिणाम होगा वो सामने। परिणाम भविष्य नहीं, 4 जून को सबको पता चल जाएगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है? मस्तराम। मस्तराम जी क्या करते हैं? गाड़ी चलाते अपनी मनमानी करके, यहाँ पर ई रिक्शा बेहतर से बेच रही है। ना उनके कोई परमिट है, ना उनपे कोई प्रशासन कहने वाला है। मन मर्जी आज के पेपर के अंदर न्यूज है वो ई रिक्शे वाला, ये 80 फुट रोड पे जो केनाल है ना, केनाल है वहाँ उसको कुदा दिया, नहर में कुदा दिया उसको। ना उनके पास परमिट है, ना परमिट है ई रिक्शे का, ना उनके पास लाइसेंस है, ना उनके पास कागज है। लेकिन जब संसद में बात होती है कोटा की, तो यहाँ के जो सांसद है ओम बिरला जी, वो कहते हैं कि कोटा का हमने बहुत विकास कर दिया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो कुमार धारीवाल मंत्री थे कांग्रेस के, उनके राज्य में 5 साल में विकास हुआ है, इससे पहले कोई विकास नहीं हुआ बीजेपी के राज्य में। यहाँ पर अभी भी तो बीजेपी की सरकार है। अरे कांग्रेस की सरकार में हुआ है, बीजेपी तो अब आई है। 5 साल में शांति धारीवाल मंत्री थे ना यहाँ पर, उनके राज्य में विकास हुआ बस कोटा का, बाकी इसके अलावा कोई ने कोटा पे ध्यान नहीं दिया आज तक, चाहे वसुंधरा हो चाहे ओम बिरला जी हो। एजुकेशन नगरी है भैया, एजुकेशन एजुकेशन हब है, बाहर के भी, देश के विदेश के सारे लोग यहाँ आते हैं, विदेश के मतलब जो बच्चे भी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और देश के बच्चे भी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के टाइम में कोई विकास नहीं हुआ, कांग्रेस के टाइम में विकास हुआ। बाकी आप किसी सरकारी योजना का लाभ आप पा रहे हैं? नहीं, कोई योजना का लाभ नहीं है भैया। 5 किलो वो तक बंद कर दी, अब तो उसमें इलाज तक नहीं करा पा रहा आम आदमी। कौन सी? चिरंजीवी योजना थी कांग्रेस द्वारा, वो योजना भी बंद कर दी गई सरकार आते, अब तो उसमें इलाज भी नहीं हो रहा था, इलाज उसको मिलता था वो इलाज भी बंद कर दिया भैया। 5 लाख रुपए का मतलब चिरंजीवी योजना के अंदर 25 लाख रुपए का इलाज मतलब जो आम नागरिक को, गरीब गुरबा को वो फ्री मतलब जो सरकार दे रही थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में वो भी बंद कर दिया। बीजेपी आने के बाद में क्या करा? नुकसान हर जगह है। आप बताओ ना, आप यहाँ के लोकल हो, 4 पहिए वाले के बीपीएल बन रहे, और जो गरीब आदमी उसके बीपीएल नहीं हो रहा, राशन कार्ड चालू नहीं हो रहा, हमारा खुद का राशन कार्ड चालू नहीं, क्यों आपको मुफ्त राशन नहीं मिल रहा है? वो तो 5 साल और बढ़ा दिया गया है। राशन कार्ड चालू नहीं हो रहा तो कहाँ से मिलेगा ये बताओ पहले? आपने अप्लाई नहीं किया? अप्लाई नहीं किया, चक्कर काटा मिला अदालत में। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं सरकार से नहीं आपने? अगर राशन एक एक महीने खूब चक्कर लगाया, 15-15 दिन सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहा, काम की खोटे भी करी मैंने, राशन कार्ड ही चालू नहीं हो रहा गरीब आदमी का, और जो लखपति 4-4 पहिए गाड़ी पे चल रहे उनके बीपीएल बन रहे हैं, हमारे तो राशन कार्ड ही चालू नहीं हो रहा यार, हम तो गरीब आदमी है। बाकी और किसी योजना का आपको लाभ मिला? क्या लाभ मिलेगा? कुछ भी लाभ नहीं मिला हमको गरीब आदमी को। तो इस बार आप क्या देखते हैं फिर? हम तो खुद ही खड्डे खोदते हैं, खुद ही पानी पीते हैं, और क्या है, गड्ढा खोदते हैं, अच्छी बात है। आप इस देश के वोटर हैं, आप कोटा के वोटर हैं। बोनी भी नहीं होती हमारी तो। बताओ अपनी अपनी। क्या नाम है भैया आपका? फिरोज नाम है भैया। क्या करते हैं आप? भी ऑटो चलाते हैं? क्या नाराजगी है आपकी? नाराजगी भाई साहब पेट्रोल डीजल के दाम देखो ना, सीएनजी के दाम देखो आप, 30-35 रुपए सीएनजी का दाम था, 60 रुपए डीजल का दाम था, 80 रुपए पेट्रोल का दाम था, कहाँ पहुंचा दिया? 100 से ऊपर पहुंचा दिया। आज हमारे ऑटो चालकों के साथ में समस्या है, उनके बच्चों को फ्री में एजुकेशन की बात थी, कोई दे ही नहीं रहा आरटी के अंदर, न पैसा मिल रहा था, वो ही बंद कर दिया 2017 से है, सीटें थी वो इस। लेकिन जब संसद में कोटा की बात होती है तो यहाँ के जो सांसद है वो कहते हैं कि हमने कोटा को बहुत ही विकसित कर दिया, शिक्षा नगरी के रूप में विकसित हो रहा है कोटा, और बाकी सारी सड़कों की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, या गरीबों के उत्थान की बात की जाए, वो कहते हैं कि लगातार कोटा का विकास हो रहा है। तो क्या सिर्फ किताबों में ही ये सारी चीजें हो रही हैं, फाइलों में ही? नहीं, फाइलों में ही हो रहा है ऐसा विकास तो, और जो थोड़ा बहुत विकास दिख रहा ना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या एजुकेशन में हो, वो सब प्राइवेट हाथों में हो रहा है। गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत किया है, कांग्रेस की सरकार ने, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। ये सब सब मतलब जो कांग्रेस ने काम किए ना वो अपना श्रेय ले रहे हैं। तो अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे कांग्रेस ने, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसको बंद करने की बात चल रही है, कई तो बंद भी कर दिए मदन दिलावर जी ने। क्यों, क्या कारण है? बस वो देना नहीं चाहते हम गरीब जनता को शिक्षा एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद कर रहे हैं। गरीब अगर पढ़ लेगा तो ज्यादा जानकार हो जाएगा, जानकार हो जाएगा। नहीं, वो इनसे सवाल करेगा कि आपने 10 साल में क्या किया, सबसे बड़ी दिक्कत ये है।
और हमारे ऑटो ड्राइवरों की समस्या ये है कि सवारी का कोई रेट लिस्ट नहीं है। डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, पार्ट्स इतने महंगा कर दिया, उसके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया। आप सोचो 75 साल के अंदर नमक के ऊपर जीएसटी लगा किसी सरकार ने, लेकिन इस सरकार ने आधे नमक के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया। ऑटो वाला नमक से चटनी से खाना खा ले तो उसके बच्चे भी थोड़े भूखे नहीं मरे, लेकिन वो भी मरे वो भूखे। अब 18% जीएसटी कॉपी किताब के ऊपर भी लगा दी। आरटीई के अंदर जो सुविधाएं मिलती थी कि 300 रुपए प्रति महीने के हिसाब से आपको पैसा मिलता था, 2017 से पहले वो पैसा मिलता था, स्टेशनरी का पैसा मिलता था, जूते चप्पल का पैसा मिलता था और 300 रुपए प्रति महीना कन्वेंस का पैसा मिलता था। तो उसमें ऑटो वाला का भी बच्चा पढ़ता था, गरीब वाले का भी बच्चा मिलता पढ़ता था, उसको थोड़ी बहुत सुविधा मिलती थी। वो सारी सुविधा बंद कर दी और प्राइवेट स्कूल वालों को ये सुविधा मिल रही है तो प्राइवेट स्कूल वाले सुविधा देते नहीं है, वो पैसा हम कर जाते हैं। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ वन मिनट में।